हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीआर अक्षरात। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे सेटरजिन 10 mg टेबलेट के बारे में। इस टेबलेट को कैसे यूज़ किया जाते हैं, कौन कौन से कंडीशन में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है और इसको यूज़ करने का सही तरीका क्या है, ताकि आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, और इस टेबलेट को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी जानकारी मिलने वाली है दोस्तों इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन पे कर दें, ताकि आने वाली मेडिसिन से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सेटरजिन टेबलेट 10 टेबलेट की एक स्ट्रिप होती है, जिसका प्राइस करीब 20 रुपया होता है, और इसके अंदर एक सॉल्ट होता है जिसमें सेट्रिजिनी इस टेबलेट का सॉल्ट नेम है और ब्रांड नेम भी है। अब बात कर लेते हैं इस टेबलेट के यूज़ के बारे में। तो दोस्तों, सेट्रिजिन एक एंटी हिस्टामाइन क्लास की मेडिसिन है। कई तरह के एलर्जिक कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि स्किन पर एलर्जी हो जाती है, स्किन पर दाने हो जाते हैं और स्किन पर खुजली होने लगती है, तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा आँखों में सूजन आ जाती है, आँखें दर्द करने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का रिजल्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और इसके अलावा छींकें आने लगती है, नाक बहने लगती है, तो ऐसी कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को मधुमक्खी ने काट लिया हो या कीड़े के काट लेने पर एलर्जी हो गई हो या सूजन हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी आप इस टेबलेट का यूज़ कर सकते हो। इस तरह की सभी कंडीशन में सेटरजिन टेबलेट का बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ यूजेस। अब बात कर लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। सेटरजिन टेबलेट को एक टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के अकॉर्डिंग, और 15 साल से छोटे बच्चे इस टेबलेट का यूज़ ना करें। ये थे इसके कुछ डोजेस। अब बात कर लेते हैं इसकी प्रिकॉशन यानी सावधानियाँ। अगर आपको किडनी या फिर प्रेग्नेंट लेडी या फिर कोई ब्रेस्ट फीडिंग लेडी इस टेबलेट का यूज़ करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप इस टेबलेट का यूज़ ना करें और आप इस टेबलेट को ओवरडोज कभी ना लें। मतलब आपको डॉक्टर जितना डोज बोले उतना ही आपको डोज लेना है, उससे ज़्यादा डोज आपको नहीं लेना है। और कोई भी मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक बार उसकी एक्सपायरी चेक जरूर करें। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ प्रिकॉशन। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इसमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे स्लीपिंग, डिजीनेस, ऐसे कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये थे सेटरजिन 10 mg से रिलेटेड कुछ जानकारी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि जानकारी दूसरों के काम भी आ सके। तब तक के लिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।